बैठा हर इंसान, आई एम वेरी श्योर, यहाँ बैठा हर इंसान एक चैंपियन है। एंड अब इस चैंपियन की बस्ती में मैं भी एक इंसान, छोटी सी एक बत्ती हूँ जो प्रबीरदा के उस दिए से जलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपने उस ऊपर वाले को जिसने हमें एक इतना ब्यूटीफुल लाइफ दिया। ठीक है, यू शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम लोग क्या है, मतलब हम उस बात पे रोते रहते हैं हमारे पास क्या नहीं है, हम उस चीज को एडमायर ही नहीं करते कि हमारे पास क्या है। सो वी गॉट अ ब्यूटिफुल लाइफ, तो उस ऊपर वाले का जरूर डेली सुबह उठ के शुक्रिया अदा कीजिए। एंड शुक्रिया अदा जरूर उस इंसान का करना चाहूंगी जिस इंसान ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से वाकिफ करवाया। ही इज नन अदर देन माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर देवी प्रसाद लेंका। अभी वो है नहीं इस सिस्टम में, बट स्टिल यस ही इज द बैकबोन फॉर मी इन दिस सिस्टम। एंड फिर जरूर उन लीडर्स का जो उंगली पकड़ पकड़ के मुझे ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है वो सिखाया है राहुल जी और श्रवण जी ने। एंड फिर मेरे फोर पिलर्स, जोगेंद्र सर, पवन सर, संजय भैया एंड ऑब्वियसली मनोज जैन सर। एंड ये सारी चीजें संभव ही नहीं है अगर हमारे पास पावर हाउस जैसा कोई इंसान ना हो, तो दैट इज प्रवीर सर। एंड टू बी रियली वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट वाइज, सप्लीमेंट वाइज एंड हेल्थ वाइज, देर इज नो अदर शूटिंग स्टार देन विश्वरूप शाह बख्शी सर। एंड मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है और आज जो भी चीज मैं बोलने वाली हूँ ये सारी चीजें मुझे बख्शी सर ने बहुत इत्मीनान से सिखाई है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा। अब जिनके लिए मैं पहली दफा स्क्रीन पे आई हूँ तो बता देती हूँ, नाम अनिशा अग्रवाल, वेस्टिजियन हूँ, नेटवर्कर हूँ, साइमल्टेनियसली जॉब भी करती हूँ। एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ टू सन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरा इंट्रोडक्शन क्योंकि मैं आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे करने वाली हूँ, पहले ही बोल दी। तो प्लीज बी देयर विद द कंटेक्स्ट कि इस पे कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, प्लीज बी कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं, आज एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक, जैसे बख्शी सर ने बोला कि एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आया है, दैट इज हेल्थ अवेयरनेस। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं ना, आप किसी से भी बात करो हेल्थ की, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर आता है, एक स्लिम ट्रिम सा बॉडी शिल्पा शेट्टी जैसा, एंड जिसमें डिजीजेस ना हो। करेक्ट, सबके दिमाग में यही आता है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड फिर हम देखते हैं कि वाकई क्या वही चीज है जो हमारे दिमाग में आता है। इज दैट एक्चुअली वॉट इज हेल्थ ऑल अबाउट? इज दैट द ओनली थिंग दैट हेल्थ इज ऑल अबाउट? तो देर आई एम फ्रेंड्स विद द टॉपिक हेल्थ अवेयरनेस। एंड प्लीज डायरी पेन लेके बैठिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, ये सारी चीजें हमने पहले जानी है, बस उसको जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं हम। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला, अगर किसी से भी आप बात करोगे तो हेल्थ के बारे में, तो उसके दिमाग में एक स्लिम ट्रिम सा फिगर आ जाता है। एंड फिर कुछ लोग सोचते हैं ऐसा हेल्थ जिसमें डिजीजेज ना हो। बट माई डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली WHO क्या कहता है? WHO कहता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। और ये जो है, ये WHO ने 1948 में ये स्टेटमेंट दिया था, और आज तक इस स्टेटमेंट को किसी ने भी अमेंड नहीं कर पाए, कोई भी इसमें कुछ निकाल नहीं पाए। इस छोटे से स्टेटमेंट में सारी चीजें हैं। दैट मीन्स क्या, फिजिकल फिटनेस होनी ही चाहिए, मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए एंड साइमल्टेनियसली सोशल वेलबींग होनी चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके इसके बारे में बताऊंगी, बट यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने मेंटल हेल्थ लिया है। अब आप लोग पूछोगे क्यों, राइट? वहां पे तो WHO तो बोल रहा है फिजिकल हेल्थ, बट मैंने मेंटल हेल्थ क्यों लिया है? द रीजन इज वेरी सिंपल डियर एवरी सर, बिकॉज क्या है, ये जो हमारा दिमाग है, होना चाहिए कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें, बट होता उल्टा है, दिमाग हमें कंट्रोल करता है। सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आई एम वेरी श्योर चैट बॉक्स खुला है, तो मैं सबसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि मॉर्निंग वॉक इज इट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और इट्स अ वेरी सिंपल टास्क? सिंपल चीज है ये, यस चैट बॉक्स में प्लीज। ओके वेरी सिंपल, करेक्ट।
अब ये सिंपल तो है या इजी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये मॉर्निंग वॉक इजी है? ये सिंपल टास्क है बट इजी नहीं है. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ये इजी नहीं है. ये इजी इसलिए नहीं है बिकॉज उस मॉर्निंग वॉक को करने के लिए आपको सुबह अपने बिस्तर को, अपने स्वीट ड्रीम्स को छोड़ना पड़ता है और 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक रेडी हो जाना पड़ता है एंड फिर निकलना पड़ता है मॉर्निंग वॉक के लिए. ऑब्वियसली आप 7 बजे इस कड़ी धूप में तो मॉर्निंग वॉक नहीं करोगे ना, आप करोगे तो 5:30-6 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक करोगे. लेकिन हमारा ब्रेन जो है हमें सुबह बोलता है कि भाई अलार्म बंद कर दो, सो लो, ताकि सारे दिन आराम से तुम काम कर सको. अभी सुबह जल्दी उठोगे तो दिन में थकावट महसूस हो सकती है, फिर दिन में नींद भी आ सकती है, तो सो जाओ. और हम लोग क्या, बड़े ओबीडियंट बच्चों की तरह अपने दिमाग की बात सुनते और जाके चुपचाप सो जाते हैं, राइट? बहुत सारे लोग ये करते होंगे. बट करना क्या चाहिए? अगर वाकई आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है. यू बीइंग गवर्नड बाय द ब्रेन इज नॉट गुड, इट्स रियली नॉट गुड. आप अपने दिमाग को ऑर्डर्स दो, आप अपने दिमाग के ऑर्डर्स पे मत चलो, ठीक है? तो अब ये मेंटल हेल्थ की बात जब हम कर रहे हैं तो दूसरा बात हो जाता है फिजिकल हेल्थ. अब मैंने बता दिया कि क्यों मैंने मेंटल हेल्थ लिया. सेकंड जो है वो है फिजिकल हेल्थ. तीसरा है सोशल हेल्थ. जो WHO बोल रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे, राइट? अब मेंटल हेल्थ में जब हम आते हैं तो आप लोग सबको पता है कि हमें जीने के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. वो क्या है? फूड, वाटर एंड एयर, राइट? अब जब हम फूड खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें खाना खाना, और अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उस फूड का प्रिपरेशन अच्छा हो, वो अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ हो टेबल पे, तो हमें और अच्छा लगता है उस खाने को खाने में, राइट? अब जब वो हम खाना खाते हैं तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं 24 घंटे के अंदर, हम लोग फिर उसको थ्रो आउट करते हैं अपने बॉडी से. अगर उसको थ्रो आउट ना करें तो नतीजा क्या होगा? बीमारियां आ सकती है. सिमिलरली वाटर, जब हम पानी पीते हैं, हमें पता है कि हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है. हम पानी पीते हैं और उस पानी को भी हमारा बॉडी जो है, जो अनरिक्वायर्ड वाटर होता है, वो हमारा बॉडी उसको एक्सट्रैक्ट करता है थ्रू मेनी वेज, यूरिन से, स्वेट से, बहुत सारे चीजों से हम लोग उस पानी को, अनवांटेड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी से, करेक्ट है? है ना? अगर ये पानी हमारे बॉडी में जम जाए क्या होगा? बीमारी आ सकती है. अब सांस लेना सबको पता है बहुत जरूरी है, राइट? अगर मैं आप लोग सबको बोलूं कि अभी आप लोग सांस इनहेल कीजिए, लेकिन जब तक मैं एक्सहेल करने ना बोलूं तब तक आप अपनी सांस को नहीं छोड़ेंगे, तो होगा क्या, कुछ लोग कुछ मिनट के लिए सांस को रोक सकते हैं, राइट? यू वॉन्ट टू डू दिस एक्टिविटी? विल मूव ऑन. क्योंकि हम सबको पता है कि हम सांस को जो है कुछ मिनट के लिए रोक सकते हैं, और वही सांस अगर हम ज्यादा देर तक रोके तो हम लोग मर भी सकते हैं, राइट ना? तो ये जो 3 चीजें थी जो हमारे जीवन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम बिना खाने के रह नहीं सकते. मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ लोग 15 दिन तक रह सकते, जैसे मेरी मम्मी है, वो हर नवरात्रे रहती है बिना खाने पीने के, मतलब पानी कंज्यूम करती है बट खाना नहीं लेती, तो रह सकते हैं. पानी के भी बहुत सारे लोग हैं जो निकाल लेते हैं, इसमें रोजा में निकालते हैं, हम जैसे लोग करवा चौथ में निकाल लेते हैं, बट 1 दिन निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, सांस के बिना हम रह ही नहीं सकते. तो जब ये 3 चीज जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे शरीर के लिए, ये चीज का भी अगर एक्सेस होता है तो भी हमें बीमारी आ सकती है या हम मर सकते हैं. तो अगर सोचिए, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये हम ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारे दिमाग में रहे, लेकिन ये फिर भी रहते हैं, राइट? और ये जब रहते हैं ना हमारे दिमाग में ज्यादा देर के लिए या ज्यादा दिनों के लिए, तो ये बन जाते हैं हमारे पर भारी, हम पे हावी हो जाते हैं, और हम बन जाते हैं बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट. जैसे कैसे फिजिकल डिसऑर्डर्स? डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, राइट? कभी आप बहुत ज्यादा हंसते हो, कभी आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो. तो
why is this there? This is there because आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा देर तक अपने अंदर रख लिया है और ये नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हार्मफुल होते हैं. नेगेटिव इमोशंस कैसे, एंगर हो गया, जेलसी हो गया, किसी को चोट पहुंचाना हो गया, किसी को ऊंचा देखते हुए, ग्रोथ देखते हुए उससे जलन की भावना जो मैंने अभी बताई वो हो गया. ये सारी चीजें जो है ये नेगेटिव इमोशंस है, राइट. इसको अगर हम लोग ज्यादा देर तक रखें तो आपको जैसे मैंने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसे, तो इससे हमें बचना बहुत जरूरी है. अब क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो अफेक्ट होगा, दैट इज नॉर्मल. अब कोई हमें कुछ बोल दे, प्यार से बोले या गुस्से से बोले, तो इसका अफेक्ट होना बहुत नॉर्मल है. बट टू रिमेन अफेक्टेड इन दैट एटीट्यूड, दैट इज अबनॉर्मल. ठीक है, किसी पे गुस्सा आया, ठीक है, आ सकता है, ह्यूमन नेचर है भाई, गुस्सा आना भी चाहिए, राइट. बट उस गुस्से को बहुत दिन तक अपने अंदर रखना वो अबनॉर्मल कहलाता है. और हम लोग क्या है ना, इंसान है, हम लोग अपनी खुशियां दूसरों के तराजू से नापते रहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ने अगर मुझे बोला कि वाओ यू डिड अ ब्रिलियंट सेशन टुडे, तो मुझे खुशी हो जाती है. और वही किसी कोई बोल दे कि आज का सेशन जो है ना अनीशा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम था, राइट. तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार, कुछ तो है, कुछ तो नेगेटिव बोला इस इंसान ने. तो इट हैपेंस. तो हम लोग क्या करते ना, हम कैसे कर रहे हैं उसका भी चीज हम दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं. वी गिव द रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स. लेकिन डोंट डू दैट. आपका मेजरमेंट है, आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स. जब आप अपनी फीलिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो देर इज नोबडी इन द अर्थ जो आपको दुखी कर सकता है या आपको रुला भी सकता है. तो दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ फ्रेंड्स. अब इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगी, इट इज नॉट दैट ग्लास ऑफ वॉटर विच हर्ट्स योर हैंड, राइट. एक ग्लास का पानी आप पकड़ोगे तो वो आपके हाथ को उतना दर्द नहीं देगा, लेकिन आप कितने समय तक उस ग्लास के पानी को पकड़े हो ना, वो ज्यादा दर्द देता है. तो लीव दैट ग्लास एंड सूनर यू लीव इट द बेटर इट इज फॉर यू. तो दुखी होते हैं हम लोग सब हैं, ह्यूमन नेचर है बाबा, दुखी होने का ह्यूमन नेचर है. बट उस दुख को, उस परेशानी को निकाल दो. अब आप लोग पूछोगे निकाले कैसे, राइट. सबके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन कि इन नेगेटिव इमोशंस को निकाले कैसे. तो देयर आर थ्री वेज. सबसे पहला आसान तरीका क्या है, सिट डाउन, साइलेंट में बैठ जाओ, एक पीस ऑफ पेपर लो और उसमें अपने वो सारी फीलिंग्स लिख डालो जो आपको परेशान कर रही है. इससे होगा क्या, जब आप उसको लिख देते हो ना तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे होते हो. एंड फिर क्या करो, उस पेपर को चाहे तो फाड़ दो या उसको बर्न कर दो. अब इससे आप लोग कहोगे कितना स्टूपिड जैसा चीज है, लेकिन नहीं, ये स्टूपिड जैसा चीज एक बार आप करके तो देखो. दिस इज रियली गोइंग टू ब्रिंग some kind of happiness to you. How? When you tear that paper and burn that paper, आपको लगेगा परेशानी भी गई, जल गई, right? So do this, try this. दूसरा है trust somebody. आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को trust करो जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जो आपसे तजुर्बे में बड़ा हो, जो आपसे matured ज्यादा हो. और वाकई ऐसे इंसान को ट्रस्ट करना जो कि आगे चीजों को आग की तरफ फैलाए ना. इतना ज्यादा आपके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए आप दोनों के बीच में, और उसको सारी चीजें बताओ. होगा क्या, पहला चीज आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए, राइट. दूसरी चीज, सामने वाला आपको किसी ना किसी माध्यम से सपोर्ट करता नजर आएगा, आपको हेल्प करता नजर आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर, सब भूल भुलैया गए होंगे, राइट. भूल भुलैया होता है ना, वो एक जहां पे आप घुस जाते हो बट यू डू नॉट गेट द एग्जिट आउट ऑफ इट, ठीक है. अब जब आप उस भूल भुलैया में हैं तो आपको नहीं पता एग्जिट कहाँ है, बट जो ऊपर से देख रहा है आपको, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पता है कि एग्जिट कहाँ है. तो वो आपको गाइड कर सकता है कि अनीशा टेक अ लेफ्ट टर्न, स्ट्रेट जाओ, टेक अ राइट टर्न, देन स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट राइट करके तुम एग्जिट पहुंच जाओगी.
तो हम सबको क्या होता है ना, इतनी सारी परेशानियों से रास्ता है, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होगा जिसका कोई सल्यूशन ना हो। तो इसी तरह होता क्या है, सल्यूशन है उस सिचुएशन का, लेकिन हम अपने अंधेर बूंद में उस रास्ते में कोई काई वाई जैसी चीजें उगा देते हैं जिससे हमें वो रास्ता नहीं दिखता है। तो वो जो बंदा है वो आपको मदद करेगा उस रास्ते पे आपको ले जाने में एंड उस रास्ते को साफ करने में। सो सेकंड क्या था, ट्रस्ट समबडी। थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, द स्पिरिचुअल वे। स्पिरिचुअल वे का मतलब क्या हुआ, द स्पिरिचुअल वे इज टू मेडिटेट ऑन योरसेल्फ। Do some kind of self-analysis at least once in a day, whatever time suits you. Do it in the morning, do it at night, जब आप सो रहे होते, लेकिन जरूर सोचो कि दिन भर में आपने ऐसा क्या क्या काम किया और उस काम में क्या नेगेटिव हुआ, कुछ पॉजिटिव हुआ, वो सारी चीजें आप सोच सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये आपके कॉन्शियसनेस को जगाएगा, आपके ब्रेन को डिटॉक्स करेगा। अब कॉन्शियसनेस क्या है आपको बताना चाहूंगी, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। द फर्स्ट इज द कॉन्शियस ब्रेन, द सेकेंड इज द सबकॉन्शियस ब्रेन एंड द थर्ड इज द अनकॉन्शियस ब्रेन। जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, जैसे रेगुलर अभी हम बैठे हैं तो मैं ये कॉन्शियसली कर रही हूँ, राइट, मैं जान के कर रही हूँ सारी चीजें, ठीक है। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, वो जब आप सो रहे होते हो तब जो आपका दिमाग काम कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। तो कॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग ओनली 3%, ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग 7%, तो हो गया 10% इधर खत्म। और जब आप मेडिटेट करते हो, अपने ऊपर काम करते हो या फोकस करते हो किसी चीज पे, तब आप अपने उस अनकॉन्शियस ब्रेन को जगा रहे होते हो। और वो अनकॉन्शियस ब्रेन जो है ना, वो 90% है। सोचिए, अगर आप 3% अपने कॉन्शियस ब्रेन से और 7% अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से इतना कर पा रहे हो, तो अगर आप उस अनकॉन्शियस ब्रेन को जगा देते हो तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, राइट। तो हम मेडिटेशन से अपने उस अनकॉन्शियस ब्रेन को जगा सकते हैं। एंड जब वो अनकॉन्शियस ब्रेन जग जाता है ना, तो ना आपको पेपर की दरकार है, ना आपको उस इंसान की दरकार है जिसको आपने सब चीजें बतानी है, आपको वो रास्ता खुद ब खुद अपने अंदर से मिलेगा, राइट। ट्राई दिस, मेडिटेट ऑन योरसेल्फ, मेडिटेट, फोकस ऑन समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी एंड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट हैप्पीनेस। दैट इज रियली गोइंग टू ब्रिंग अ बिग 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 चेंज इन योर लाइफ, इन योर एटीट्यूड, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट मेंटल हेल्थ। और ये मेंटल हेल्थ जो है ना, हम बचपन में पैदा नहीं होते हैं इस ऐसे नेगेटिव थॉट से, बड़े प्योर पैदा होते हैं, ठीक है। बट लोगों का, मम्मी पापा का, समाज का, सब फ्रेंड्स का, सबका सुनते सुनते हमारे दिमाग में कचरा भर जाता है, ठीक है। छोटा सा ब्रेन है बट कचरा बहुत जगह से आ रहा है। तो क्या करना है आपको, अपने आप को हमेशा 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 पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना भी इतना आसान नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट आप लोग जरूर करना, मेरे पास उतना जगह नहीं है, नहीं तो मैं ये जरूर करती। एक छोटा सा जग लीजिएगा, उसमें सादा पानी रखिएगा, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी डालते रहिएगा, ठीक है। जग का पानी हो जाएगा मैला, वो मिट्टी क्या हुआ ना, जग का पानी जो पहले था ना, दैट इज योर ब्रेन व्हेन यू वर बॉर्न। मिट्टी डाल रहे हैं, इट इज द कचरा ऑफ द सोसाइटी, द पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर मम्मी डैडी सेइंग दैट दिस कैन नॉट बी डन बाय यू, यू आर नॉट केपेबल इनफ, ये सारा कचरा वो मिट्टी है। एंड फिर ना स्टार्ट गिविंग क्लियर वाटर इन दैट जग। तो धीरे धीरे जब आप एक कटोरी पानी उस जग में डालते हो, पानी साफ नहीं होगा। दो कटोरी भी डालोगे तो पानी साफ नहीं होगा, आपको बकायदा पाइप लेके बैठना पड़ेगा ताकि वो पानी साफ हो। तो इसका मतलब क्या, हम उस पानी को साफ करने के लिए
बहुत सारा पानी लेकर आ रहे हैं, क्लियर पानी लेकर आ रहे हैं उस गंदे पानी को साफ करने के लिए। वैसे ही इतने दिन से जो हमारे दिमाग में कचरा है, तो ये मिनटों में तो जाने वाला नहीं है। इसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कैसे? जैसे मैंने बताया पहले, मेडिटेशन से। मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप फोकसिंग ऑन वन, यू कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग। आपके दिमाग में कभी ये थॉट आएगा, कभी वो थॉट आएगा, कभी आएगा अरे ऑफिस का ये काम पेंडिंग हो गया, अरे बच्चे खाना मांगेंगे, सारी चीजें आएंगी। बट स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, बिकॉज बुक्स हैपन्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। जब भी आप नेगेटिव होते हो ना, स्टार्ट गोइंग थ्रू वन बुक। होगा क्या, आप एक तो उस नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और दूसरा चीज क्या है, उस खाली स्थान में जहां पे वो नेगेटिव थॉट बैठा अपना राज जमा रहा था, वहां पे एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगा जो उस स्थान का जगह ले लेगा, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वहां पे कुछ आने वाला और है नहीं। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, एंड स्टार्ट रीडिंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक्स। यू कैन स्टार्ट विद द सीक्रेट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। देयर आर मेनी बुक्स दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ विद, एंड डू, पक्का से डू गो थ्रू द बायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन जो आपको इंस्पायर करता है। उसका इंटरव्यू जरूर पढ़िए, बिकॉज जब आप उसके इंटरव्यूज पढ़ोगे ना, वो कैसे सक्सेसफुल हुई। जैसे मेरे लिए माय आइडल इज सुष्मिता सेन, तो मैं उसके इंटरव्यू जरूर देखती हूँ, उसके हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस करती हूँ। तो देन इवेंचुअली आप भी उस तरीके से सोचने समझने लग जाते हो। जैसे मैंने बताया, सेल्फ एनालिसिस, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें। लोग आपको आके बोलेंगे ये खराब किया, वो अच्छा किया। एवरीबडी हैज देयर ओन थॉट्स, यू कैन नॉट स्टॉप देम थिंकिंग। बट सेल्फ एनालिसिस करने से आपको ये समझ में आएगा कि वाकई मैंने ये सच गलत किया था कि सही किया था। अगर गलत किया था तो आई शुड नॉट रिपीट दिस अगेन, एंड सही किया था तो मैं उस इंसान से मिलके पूछूंगी कि इसको और मैं कैसे सही कर सकती थी जिसने मुझे गलत बताया था। तो डू दैट, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जिस इंसान ने आपको बताया कि दिस वो ये गलत था अनिशा, ये नहीं करना चाहिए था, और जब आप उसको जाके पूछते हो तो इसका सही रास्ता क्या था, तो उसको क्या लगेगा, हाँ शी इज अ गुड लिसनर, ये मुझसे सीखने आ रही है, ये मुझसे मेरी एडवाइस लेने आ रही है। तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी उस इंसान से, एंड वाकई अगर गलत होगा उसके थॉट से तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज डू दिस, आई स्टार्ट सॉल्विंग पजल्स, आई स्टार्ट प्लेइंग सुडोकूज, दिस इज माई फेवरेट गेम। मैंने मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है कि जब भी मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है ना, एंड आई एम ऑन द मूव, तो बुक नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वो अल्फाबेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आई कांट रीड when I'm traveling. So what I do when I'm traveling is either I see a very motivational video or else I solve one Sudoku puzzle and start doing this. Aapko maza aayega because this is a brainstorming activity. Aapke paas kuch aur ghusne ka mauka hi nahi rahega aapke brain mein. Aapko sochte hi rehna padega kaun sa number kidhar aana hai. Right? Calculations karte rehna padega. तो हम लोग कहते भी हैं कि मैथमेटिक्स ना पागल वाले ही करते हैं, बिकॉज वो सारे दिन हवा में सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते हैं। तो डू समथिंग विच इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी सबको करनी चाहिए। चाहे तो एक पजल लेके बैठ जाओ बच्चों के संग, ताकि बच्चों के संग आप टाइम भी स्पेंड कर रहे हो और पजल भी हो गया। दूसरा, अगर आप अकेले हो तो सुडोकू खेल लो, नहीं तो बहुत सारे गेम्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज के, कि दोनों पिक्चर्स में डिफरेंसेस क्या है वो खोजो, या एक बहुत बड़ा पिक्चर मिल जाएगा उसमें आपको एक बटरफ्लाई को खोजना पड़ता है। तो स्टार्ट डूइंग दिस, ये छोटी छोटी चीजें बचपन में हम करते थे, लेकिन बड़े होते होते हम ये सारी चीजें करना छोड़ देते हैं। क्यों करना छोड़ देते हैं? बिकॉज हम लोग अपने उधेर बुंद में रह जाते हैं। तो बचपन में वापस जाना चाहिए हर को, है ना, हम कहते हैं ना बचपन में जाना चाहिए, एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं ना, तो फैमिली को आपकी और आपको फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आती है।
होता क्या है, सबका ड्यूटी है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, कोई स्टूडेंट है, तो उठा, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया और निकल गया ऑफिस को, उठा फ्रेश हुआ निकल गया अपने ट्यूशंस में, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो अगर आप दुखी हो तो उस कम्युनिकेशन गैप को सबसे पहले मिनिमाइज कीजिए, जाइए अपनी फैमिली के साथ, स्पेंड कीजिए टाइम। सो दिस वॉज अबाउट मेंटल हेल्थ एंड आई एम वेरी श्योर मैं इस पार्ट को बहुत क्लियरली समझा पाई हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज लिख लीजिएगा, आफ्टर दिस विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। ओह वी हैव वन मोर, डेवलप अ हॉबी, तो हॉबी होनी चाहिए सबकी, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्टिंग अपने अंदर खोजिए कि वो क्या चीज है जो आप डेवलप कर सकते हो अपनी ओर। नाउ दिस इज माय फेवरेट वन, द फिजिकल हेल्थ। नाउ फिजिकल हेल्थ पे आने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या था। मैंने बोला था सबको, ध्यान से सुनिएगा मेरा इंट्रोडक्शन। तो व्हाट वाज माय इंट्रोडक्शन, एनीबॉडी हु वांट्स टू अनम्यूट हिमसेल्फ, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं आप हाथ उठा सकते हैं, हम लोग अनम्यूट कर लेंगे। सर अरिंदम खान ने रेस किया हैंड, उनसे पूछिए मेरा इंट्रोडक्शन क्या था। नहीं किया है। यस अरिंदम जी बोलिए, इंट्रोडक्शन क्या था हमारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अरिंदम जी, आपका इंट्रोडक्शन था आप अरिंदम खान। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। यस आपका इंट्रोडक्शन था, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक जॉब करते हैं और साथ ही साथ एक बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं और आपके दो बच्चे भी संभाल रहे हैं। ओके थैंक यू अरिंदम। नाउ द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मैंने बोला कि मेरे दो बच्चे हैं, कैन एनीबॉडी गेस द एज ऑफ माय किड्स, चैट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। The age of my kids. जो मुझे जानते हैं वो प्लीज ना जवाब दें, ठीक है, जो नहीं जानते केवल वही जवाब दें। कोई बोल रहा है 15, कोई 10, कोई 22 से 27, 12 ऐसे, 14 ऐसे, सब कोई बोल रहा है। हाँ सही बात है, सब लोग सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं सब लोग। ओके रवि कुमार गुप्ता जी ने बोला है 17 और 14, तो विल टेक द लास्ट वन 17 and 14। बट आई वुड लाइक टू से दैट द एज ऑफ माय किड्स इज 22 and 19। आई एम अ मदर ऑफ टू एडल्ट्स, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है। चिराग यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, आई हैव सीन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो माय किड्स आर एडल्ट्स एंड माय एल्डर सन इज 22 इयर्स ओल्ड एंड माय यंगर सन इज 19 इयर्स ओल्ड एंड आई एम वेरी श्योर 50% से ज्यादा जनता इस चीज को विश्वास नहीं करती होगी, बिकॉज हम लोग क्या है ना, अपने आप में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, हमारा फिजिकल हेल्थ के बारे में। बट आई हैड बीन फिजिकल, मतलब कि एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बहुत पहले से, मतलब बाय द एज ऑफ 20, मतलब कि स्कूल में भी जब पीटी वगैरह होता था, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू मिस दैट पीटी क्लास और द योगा क्लासेस और द आसन्स, बट आई यूज्ड टू बी देयर 100% इन ऑल पीटी क्लासेस और योगा योर आसन्स, एंड ड्यू टू दैट आपका एज कभी आपके सामने आएगा नहीं, एंड दिस इज द रीजन दैट आई स्टिल हैविंग सच बिग सन्स, आई डोंट लुक दैट बिग। एंड अगर मैं अपने बच्चों के संग अपना फोटो दिखाऊं तो वो मेरे भाई ज्यादा दिखते हैं, बच्चे कम दिखते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज फिजिकल हेल्थ,
Physical health is when the part and system of your body start working together. ठीक है, coordination between everything. It is not only कि आप physically fit हो, आपके सारे चीजें coordinate कर रही हैं आप एक दूसरे के साथ. जैसे साइकिल चला रहे हैं तो यू आर एबल टू टेक द पैडल्स एंड द ब्रेक्स एंड लुक इन फ्रंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सब चीज साइमल्टेनियसली जब आप कर पा रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ. करेक्ट बॉडी वेट होना बहुत जरूरी है, फ्री ऑफ डिजीजेस भी होना चाहिए, 100% होना चाहिए. एंड फिजिकल हेल्थ में आता है प्रेजेंटेबल. यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ऑलवेज एंड ऑलवेज. ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ. नाउ हाउ टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ, इसके बारे में ज्यादा बोलने का है नहीं, सबके पास पता है कि फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बोलती हूँ. यू नीड टू हैव एटलीस्ट 7 to 8 hours का स्लीप पर नाइट. 7 to 8 hours की नींद होनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके डार्क सर्कल्स ना आए, आपका स्किन हमेशा ग्लो करे, और जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश दिमाग से उठें. ये नहीं कि बापरे आंख रगड़ते हुए उठ रहे हैं और अभी भी नींद आ रही है. नो, 7 to 8 hours हो गए तो फिर दोबारा नींद नहीं आएगी. हमेशा एक अच्छा खाना चाहिए हमें विद ऑल द फूड इंग्रेडिएंट्स. जैसे हमारे बॉडी को क्या चाहिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो हमें एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे लोगों का होता है कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं पतले होने के लिए. डोंट स्किप दैट ब्रेकफास्ट, नाम में छुपा हुआ है. ब्रेक द फास्ट, जो हम रात में डिनर किए थे एंड सुबह तक जो हम खाली पेट हैं, तो उस फास्ट को हमें ब्रेक करना है. और ये फास्ट ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है सो दैट यू डू नॉट गेट अ बिग बेली. हमारा जो टमी होता है वो बाहर क्यों आता है, क्योंकि हम वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. जिसका भी बेली होगा, ध्यान रखना, आप बहुत दिनों तक ब्रेकफास्ट आपने स्किप किया होगा. स्टॉप दिस इमीडिएटली. आप उसकी जगह में हमारा सीरियल लो ना, बहुत बहुत पसंद है मुझे. तो मेरा तो डेली का ब्रेकफास्ट हमारा सीरियल होता है. टेक दैट इन ब्रेकफास्ट. यू जस्ट हैव टू ब्रेक द फास्ट. ये नहीं कि आलू के पराठे, सत्तू के पराठे, गोभी के पराठे खा रहे हो. सीरियल खा लो हमारा, बहुत है. ठीक है, एंड 60 to 90 minutes का एक्सरसाइज एवरी डे. अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि 60 to 90 एक बार में होना चाहिए. आप आधे घंटे 45 minutes सुबह कर लो, 45 minutes शाम में इवनिंग वॉक कर लो. So that is more than enough to keep yourself healthy. ठीक है, maintain your recommended weight for your age and height. आपका एज जैसे जैसे होता है, हाइट नहीं बढ़ेगा. वो यंगस्टर्स में हाइट भी बढ़ती रहती है, बट आफ्टर अ सर्टन एज आपकी हाइट जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है. तो आपको एक रिकमेंडेड वेट हमेशा एज पर योर एज मेंटेन करना चाहिए. और ये बहुत ईजी है, गूगल में जाइए, BMI डालिए, वो आपको बता देगा एज पर योर एज आपका BMI क्या होना चाहिए. ठीक है, सो डू दैट. आपका हाइट आपको पता होना चाहिए, आपका वेट आपको पता होना चाहिए, आपका एज आपको पता होना चाहिए. देन गेट योर एक्चुअल BMI एंड इफ यू आर ओबीज तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. एक्सरसाइजेस शुरू कर दो. ठीक है, बट डोंट स्किप ब्रेकफास्ट. आप लंच में सैलड खाओ, ठीक, हैव योगर्ट, सब चीजें लो. डिनर हल्का करो, डिनर सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए. ठीक, दिस वॉज अबाउट मेंटेनिंग अ गुड फिजिकल हेल्थ. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस हेल्थ, दैट इज द सोशल हेल्थ. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही चीज है जो हमारे डिप्रेशन का कारण होता है. नाउ इफ यू हैव good feelings with others, then you have, you are in a good social health. You have a good social health. जब आपके पास you are socially healthy, तो you can make friends easily. And when you make friends easily, you are able to keep those friends. And when you are able to keep those friends, आपके बीच में cooperation बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. And आप verbal या non-verbal communication automatically कर लेते हैं. अब non-verbal का क्या हो गया, मतलब telepathy. कई सारी चीजें टेलीपैथी में काम कर जाती हैं. जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी को फोन करती हूँ तो वो बोलता है अभी अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी. तो व्हेन यू
हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद समबडी तो टेलीपैथी ऑटोमेटिकली काम करती है, और ऐसा नहीं कि सामने वाला झूठ बोल रहा था, सामने वाला सच भी बोल सकता है बिकॉज वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता भी है। और आज ये मेरे संग दो बार हुआ भी है, मैंने आज दो बार प्रवीण सर को फोन किया है, एंड जितनी बार भी मैंने उनको दो बार में दोनों बार बख्शी सर उनके संग कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, एंड ही सेड कि वाह जब जब अनिशा जी का कॉल आता है उसके पहले उनका गुरु जी का भी फोन आ जाता है। प्रवीण दा ये हुआ हमारे संग आज? Yes, सुबह एंड शाम दोनों टाइम में हुआ। दोनों टाइम में हुआ। So that means when you have good relations with somebody, आपका sixth sense अपने आप चलेगा। And ये मेरे संग हुआ तो मैं आज आपको ये example बताई। ऐसा नहीं कि मेरा बख्शी सर से daily बात होता है, but yes, जो कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, उन्होंने मेरे health पे बहुत काम किया है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। And उस कारण से मैं इनसे बहुत सारी trainings भी लेती हूँ, और trainings लेने के कारण मैं आज ये सारी चीजें आपको बता पा रही हूँ। तो आई एम वेरी श्योर बख्शी सर को मैं थोड़ा सा हैप्पी कर पाई होंगी, इतना सारा चीज बोल पा रही हूँ बख्शी सर आपके कारण, हेल्थ सप्लीमेंट्स पे, हेल्थ पे, राइट? सो दिस इज सोशल हेल्थ एंड नाउ हाउ टू मेंटेन दिस सोशल हेल्थ, हेल्प पीपल अराउंड यू। अब जब मैं ये बात बोलती हूँ ना किसी किसी को, तो वो बोलते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, हेल्प कैसे करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसों से ही आप किसी का हेल्प कर सकते हो या मदद कर सकते हो। भगवान ने आपको दो हाथ दिया है, दो पैर दिया है, दो आईज दी है, बहुत अच्छा सा एक आपको जुबान दिया है, तो आप अच्छी चीजें से अपने उस इंसान की मदद कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान आपके सामने जा रहा है, राइट, बहुत बुजुर्ग है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा सामान है, तो टेक अ फ्यू थिंग्स फॉर हिम फ्रॉम हिम। उसको बोलो अंकल मैं आपको हेल्प कर देती हूँ जहां तक मैं जा रही हूँ, या आप बताओ मैं आपको कहां तक ये सामान पहुंचा दूं। देखिए वो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देगा। बच्चा है कोई रोड क्रॉस कर रहा है एंड उसके साथ कोई है नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं है उसके इर्द गिर्द, तो प्लीज हेल्प दैट किड क्रॉस द रोड। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बताने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चीजें बतानी पड़ेंगी, बट हेल्प। एंड हमेशा 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 मैं बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा रखिए। मैं तो हमेशा रखती हूँ और मैं ये अपने टीम में इम्प्लीमेंट भी करवाती हूँ। हम जब भी किसी मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं ना, किसी बस से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, तो मेरा हमेशा उस कंडक्टर को या उस ऑटो ड्राइवर को थैंक यू जरूर निकलता है। देखिए वो सारे दिन इंसान इस पसी गर्मी में या बारिश में आपको आपके डेस्टिनेशन से, मतलब आपके घर से आपको जहां जाना है वहां पहुंचाता है, तो उसके बदले में आप एक थैंक यू तो बोल सकते हैं। उसको आज तक किसी ने थैंक यू नहीं बोला होगा, लेकिन आपका एक थैंक यू उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला सकता है, एंड वो मुस्कुराहट बाद में कब आपको रिटर्न मिल जाए आपको नहीं पता, लेकिन इस रिटर्न की भावना से थैंक यू मत बोलिएगा कि थैंक यू बोल रही हूँ तो प्रभु अगले दिन कुछ ना कुछ अच्छा देना। नो, रिटर्न की भावना से थैंक यू बोलेंगे ना तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं आएगा। सबने मुन्ना भाई MBBS देखा था, वो जादू की झप्पी, राइट? सबको चाहिए होती वो जादू की झप्पी। अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबको जादू की झप्पी दे दो, थैंक यू तो बोल सकते हैं हम लोग, तो ट्राई डूइंग दिस, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कम्युनिकेट, आपके आसपास जितने भी लोग हैं स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम। कम्युनिकेट करने से क्या होगा, आपको उनकी अच्छाइयां दिखेंगी, और जब आपको किसी की अच्छाई दिखेगी इनहेरिटेड, प्लीज दूसरों में ना नुक्स निकालने मत जाओ, दुनिया बड़ी खराब है। हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले यार वो ऐसा बोली, वो वैसा बोला, वो ऐसी करती है, वो वैसा करता है, हम पहले नुक्स निकालते हैं। अरे भाई जब तुम कुछ अच्छा उस इंसान को सिखा नहीं सकते हो या कुछ अच्छी उसके बारे में बोल नहीं सकते हो तो नेगेटिव क्यों बोलना, राइट? अगर पॉजिटिव कर सकते हो उस इंसान के लिए तो नेगेटिव भी बोलने का आपको हक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते उस इंसान के लिए तो नेगेटिव भी नहीं बोलने का हक है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद समबडी, विद एवरीबडी अराउंड यू, एंड ट्राई टू गेट एवरी पॉजिटिव थिंग ऑफ द सराउंडिंग्स फ्रॉम देम। ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेट करो आई कॉन्टैक्ट जरूर रखो, बिकॉज आपकी आईज ना आपका बकायदा दिल का रास्ता है। मेरा तो है, मेरे तो आईज से सामने वाले को पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो सबका वही होगा, है ना? तो आईज कॉन्टैक्ट रखना बहुत जरूरी है। एंड स्माइल, इट कॉस्ट नथिंग,
एक स्माइल आपके चेहरे पे, टैक्स नहीं लग रहा, जीएसटी नहीं लग रहा, इस पे आईटी रिटर्न नहीं देना आपने, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने होते, तो व्हाई डोंट यू स्माइल, है ना? स्माइल से चेहरा आपका खिल जाता है एंड सामने वाला अगर कोई दुखी होगा तो वो आपके स्माइल को देख के खुश हो सकता है. तो स्टार्ट गिविंग एंड दिस इज कॉन्टेजियस. आपको पता है, आप स्माइल करोगे, सामने वाला दुखी होगा भी तो वो भी स्माइल कर देगा, उसको देख के कोई और भी स्माइल कर लेगा. ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, ठीक है, फैलता है ये, तो फैलाओ ना सब. तो यहाँ नेटवर्क मार्केट नेटवर्क बना रहे हैं तो आप स्माइल का भी नेटवर्क बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है. एंड स्पीक पॉजिटिव अबाउट कॉमन फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है ये चीज. होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, है, और ये दोनों सी को जानते हैं. ए के लिए सी खराब है, बी के लिए लेकिन सी बहुत अच्छा है. बी को क्या करना चाहिए, सी का कुछ कुछ अच्छा ए को बताना चाहिए ताकि सी का जो है इंप्रेशन ए के अंदर भी अच्छा हो जाए. तो स्पीक पॉजिटिव अबाउट कॉमन फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा, कटने की जगह. डोंट बी अ हिटलर, डिवाइड एंड रूल पे काम मत कीजिए, है ना, हमेशा इकट्ठा होके काम कीजिए. वैसे भी हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां इकट्ठे होके काम करना होता है. तो स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव अबाउट कॉमन फ्रेंड्स, हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स. ये बहुत जरूरी है टू हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स. कहते भी हैं कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों का सुना है, विवेक बिंद्रा जी भी कहते हैं, सोनू शर्मा जी भी बोलते हैं, विवेक बिंद्रा बोलते हैं, गिव मी योर नेम ऑफ फाइव फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू व्हाट योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू हैव. तो if you are in a surrounding of good people, rich people, successful people, to aap bhi successful ho hi jaoge. So you need to be in a good set of friends. Hum to bahut acche logo ke sang hain yahan pe, Jogender sir hain, Pavan sir hain, Sanjay bhai hain, Manoj ji hain, Pavan, Praveer sir hain, Bakshi sir hain, meri team hai. To we are main to bahut acche acche logo se ghiri bhi hu, Rahul ji hain, Shravan ji hain. To आप भी अपने आप को ऐसे एक माहौल में डाल लीजिए जहां पे नेगेटिव का नामो निशान नहीं है. नेगेटिव आएगा तो ये आपको उस नेगेटिव से निकालने के लिए खड़े हैं, आपने बस अपना हाथ उनको देना है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सोशल हेल्प. नाउ दुनिया बड़ी मतलबी है, मैं जानती हूँ ये चीज, दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है. कहते भी हैं कि जिसके घर में पैसे होते हैं, जिनका बैंक बैलेंस होता है, उनके फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं. सही सी बात है, इसमें नकारा कहीं पे भी नहीं है और मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग इसको नकारो भी, ठीक है. अगर आप भिखारी को देख रहे हो रोड पे तो उसके फ्रेंड्स हैं क्या, नहीं है. वहीं आप हमारे प्रवीण सर को देखिए, बख्शी सर को देखिए, संजय भैया को देखिए, पवन सर को देखिए, जोगिंदर सर को, मनोज जी को, सबको देखिए, कितने सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं इनके पास. क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस है. तो आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां हम अपने बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं एंड वहां से हम भी अपने आप को एक ऐसे सोशल गैदरिंग में लेकर आ सकते हैं जहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रहेंगे और हमें अप्रिशिएशंस मिलते रहेंगे. तो अब तक जो हम बातें कर रहे थे वो वी वर टॉकिंग अबाउट डिटॉक्सिफाइंग आवर माइंड, राइट, डिटॉक्सिफाइंग आवर सोल. नाउ हाउ अबाउट डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी, ठीक है. जैसे मैंने बोला, ऐसे प्लेटफॉर्म में है जहाँ पैसे आ सकते हैं और ऐसा चीज हमारे पास भी है जो हमारे बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है. जरूरी है ना, इतने साल से इतना कचरा खा रहे हैं तो बॉडी में गंदगी तो जा ही रही है, तो इसको निकालने का कुछ ना कुछ तो उपाय हमें करना है. माइंड का निकाल दिया हमने, और इस माइंड के बाद से मैं आप लोग को एक चीज और कहना चाहूंगी कि अभी जो हमने बातें की अपने बॉडी माइंड एंड सोल की, ये सब चीजों को अगर आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज डोंट मिस आवर सेशंस एट 6:30 इन द मॉर्निंग, जो हमारे पावर हाउस लेते हैं और वो डेली लेते हैं 6:30. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइजेस, इट्स अबाउट एफर्मेशंस, इट्स अबाउट मेडिटेशन, इट्स अबाउट द करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो सुबह का सेशन में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं. जरूरी एफर्मेशंस, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, तो वो हमारे वहाँ होता है. हमारे को ब्रीदिंग टेक्निक पे काम करना है बिकॉज ब्रीदिंग टेक्निक से हमारी पूरी जो सिस्टम है ना वो अलाइंड रहेगी, हर ऑर्गन अपना सही काम करेगा. तो
प्लीज 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 सब लोग 6:30 का मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए, ये मेरा आप लोग सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिकॉज दैट इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, नाउ विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी. अब ये डिटॉक्सिफाइंग चीज क्या है, बहुत बड़ा चीज लिखा है लेकिन मैं छोटे में समझाती हूँ. डिटॉक्सिफाइंग क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं या बाहर जाते हैं तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, जो एयर में होते हैं पोल्यूटेंट्स, जो खाने में केमिकल्स हम खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाती हैं. अब ये टॉक्सिन्स निकलती ऐसे अपने आप नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे बॉडी को आसानी से छोड़ेगी नहीं. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें उसको चाहे तो छोटे छोटे में करना है ताकि वो आराम से चाहे तो यूरिन के द्वारा या स्वेट के द्वारा निकल जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें लेनी है जो कि टॉक्सिन्स को फिनिश ही कर दे अंदर ही अंदर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी. ठीक है, टू गेट द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी. अब मैंने बता दिया हमारे बॉडी में ये टॉक्सिन्स आते कैसे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम बाहर धूप में जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये सारी चीजें टॉक्सिन्स हमारे अंदर में दे रही हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे हम अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें. हम लोग केवल 3 प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हैं हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स. अब बोलने जाऊंगी तो ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं. ओह थैंक यू, 9:30, 1 घंटे से आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. एक बार यहाँ पे थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी. तो फटाफट हम लोग आगे चलते हैं, केवल 3 सप्लीमेंट्स पे बात करेंगे हम लोग. पहला है कर्क्यूमिन प्लस. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है क्योंकि ये हमें बहुत आसानी से मिल जाता है. ये वो हल्दी में होता है. ठीक है, कर्क्यूमिन जो है टर्मरिक में पाया जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट. ये क्या हुआ, ये आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग रखता है. एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, ये कहीं पे भी आपको सूजन आ जाए, इंफ्लेमेशन आ जाता है तो उस इफेक्ट को भी, उस सूजन को भी ये कम करता है. एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, इसका मतलब कैंसर से आपको बचाएगा. एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, मतलब कोई स्किन में कोई रैशेज हो जाते हैं या फंगस हो जाता है तो इससे भी आप बच सकते हो. कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, मतलब कि आपके हार्ट बीट को, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को, ये सारी चीजों को कंट्रोल्ड रखेगा. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा रखेगा, एसिडिटी नहीं होने देगा, उल्टी वगैरह इस गर्मी में बहुत सारे लोगों को होता है तो वो उससे भी आपको बचाएगा. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कोविड के टाइम पे ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्क्यूमिन का बेनिफिट्स. अब इस कर्क्यूमिन में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे कर्क्यूमिन में ब्लैक पेपर भी पाया जाता है. ऐसे अगर आप बाजार से लोगे ना तो उसमें ब्लैक पेपर नहीं होता. अब इस ब्लैक पेपर का क्या काम है, ये ब्लैक पेपर हेल्प करता है कि वो 100% कर्क्यूमिन जो है वो हमारे बॉडी को, बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए. और नहीं होगा तो क्या, कर्क्यूमिन आपने लिया और वो जैसे हल्दी हम डालते हैं ना सब्जी वगैरह में तो क्या होता है, उसका इफेक्ट हमें पता ही नहीं चलता है कि वाकई इफेक्ट ला रहा है कि नहीं हमारे को. अगर लाता तो इतने सालों से हम लोग सब्जी में हल्दी डाल रहे हैं तो किसी को भी कोविड होना नहीं चाहिए था, राइट? आई होप एवरीबॉडी इज अग्रीइंग विद अस. लेकिन जो कि उस हल्दी में काला मिर्च पाउडर नहीं था इसलिए वो हल्दी हमारे शरीर में 100% काम नहीं किया. और हमारे कर्क्यूमिन प्लस में ब्लैक पेपर है और ये कर्क्यूमिन आपके बॉडी पूरा ऑब्जर्व कर लेगा और आपके इम्यून सिस्टम को वाकई स्ट्रॉन्ग करके देगा. ठीक है, और ये बहुत सारी चीजों में हल्दी का पेस्ट लगा के अपने फेस पैक में भी लगा सकते हो, बहुत सारा काम है इसका, हम शॉर्ट में लेंगे. अब इसको हमने, अच्छा पहले गैनोडर्मा. गैनोडर्मा क्या होता है, गैनोडर्मा इज अ काइंड ऑफ मशरूम एंड ये भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. वो भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ये भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एंड ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है. ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है. ये आपके ब्लड का पीएच लेवल जो होता है ना, हमारे ब्लड का जो लेवल है, पीएच लेवल है, वो बेसिक होना चाहिए. बेसिक होने से क्या है, आपके ऑर्गन्स को हार्म नहीं होगा. एसिड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हम लोग टॉयलेट क्लीनर्स में एसिड यूज करते हैं. व्हाई डू वी डू दैट, सो दैट वहां पे जो कचरा है वो कट जाए.
अब अगर हमारा ब्लड का पीएच लेवल एसिड हुआ तो क्या होगा, जिधर जिधर से ब्लड फ्लो कर रहा है वो उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा और उसको काटता जाएगा। तो हमारे पीएच लेवल को, ब्लड के पीएच लेवल को हमेशा बेसिक होना चाहिए। तो गैनोडर्मा हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट पीएच लेवल। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है ये चीज, बिकॉज कई लोगों का क्या होता है ना, वो खाते जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो हर 15 मिनट पे वॉशरूम जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आजकल के यूथ में ये बहुत ज्यादा पाया गया है। तो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, गैनोडर्मा आपको हेल्प करेगा उसमें। फाइट्स फटीग एंड इलनेस, अगर आप इसको लेते हो तो आपको जो वो लर्थार्जिक पना रहता है, जो हमेशा लगता है ना, किसी भी हाउसवाइफ से पूछ लो कैसी तबीयत है तो वो हमेशा यही बोलती नजर आएगी, बहुत कमजोरी है यार, पीठ में दर्द हो रहा है, काम कर करके थक गए, ये हर का होता है, गैनोडर्मा दे दो। तभी नहीं बोलेगी कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, थकावट लग रही है, वो दिन में एक बार की नहीं दो बार पोछा लगाएगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पोछा लगाने के लिए, बट यस यू वॉन्ट फील वीक, ठीक है। और जो ये वुमेन का जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें प्री एंड पोस्ट बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है हम लोग को, तो ये आपको उन प्रॉब्लम से, उस सिंड्रोम से बचाने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो गैनोडर्मा दो हमें हमेशा अपने साइकिल्स के पहले लेना शुरू कर देना चाहिए, दो आफ्टर लंच एंड दो आफ्टर डिनर। सबको पता रहता है कि उसके साइकिल्स कब शुरू होने वाले हैं, तो लेडी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साइकिल शुरू होने के 3 दिन पहले से गैनोडर्मा जरूर लें, और साइकिल्स के दौरान भी लें एंड उसके बाद भी लें। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम दो स्टमक क्रैम्प्स, काफ क्रैम्प्स, सब चीज से आपको बचाएगा। एंड ये आपके ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब गैनोडर्मा लेना कैसे, वन कैप्सूल थ्राइस डेली, दिन में 3 बार ले सकते हैं आप इसको, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 30 मिनट्स आफ्टर फूड, ठीक है। ये 90 कैप्सूल्स का एक बॉक्स आता है, इसका MRP 920 है, DP 785 है, एंड जो कि मैंने आपको बोला बिजनेस भी करना है हमें, तो इसका PV है 26.17। हम सबको पता है कि बिजनेस जो यहाँ पे है PV से ही होता है, तो ये रहा आपको गैनोडर्मा का PV, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो है फुट पैच, एंड ये बहुत ज्यादा बहुत अमेजिंग मैजिकल इफेक्ट है इसके, ये आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली निकालता है, सच में आप यूज करके देखना इसको, आपके एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा, आपको रात में एक अच्छी नींद आएगी इसको लगाने से, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। फुट पेन जो है, जिसको मतलब कि मुझे तो काफ़ी फुट पेन होता था पहले, लेकिन जब से बख्शी सर ने मुझे बताया कि इसको महीने में 3 बार यूज़ करो, तब से मेरे पाँव में बहुत कम दर्द होता है। तो दिस रिड्यूसेस योर फुट पेन इवन। अब इसके बारे में बताऊँ तो अप्लाई फॉर 6 डेज एंड देन रेस्ट, ये 6 दिन आपने यूज़ करना है, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए, फिर आप इसको 3 महीने के बाद यूज़ कर सकते हो। और इसको कैसे यूज़ करना है, रात में सोने से पहले अपने पाँव के तलवे को बहुत अच्छे से साफ करना है, और क्योंकि ये पैच है तो इसको बगल में इसके स्टिकर्स लगे होंगे, उसको खोलना है और अपने पाँव के तलवे में इसको लगा देना है। ये 10 पैच का एक पैक आता है, इसका MRP 1400 है, DP 1204 है, प्लेटफॉर्म है भाई पैसे कमाने का, तो PV भी बताऊंगी, 33.44 PV है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, तो थैंक यू सो मच एवरीबडी दैट आप लोग सब मेरे संग इतने देर तक बने रहे, मुझे सुनते रहे, एंड आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ मैं आप लोग को देने पाई होंगी अपने इस 1.5 घंटे के सेशन से। तो सबको थैंक यू सो मच, एंड अब बख्शी सर ओवर टू यू।